अब एक मदनी भूल बयान फरमा दें डॉक्टरों के लिए कि डॉक्टर इस्लाम और दीन के मामले में अपनी राय या मशवरा देने के बजाय उलमा की तरफ मरीज को कहें कि ये है इस मामले में रोज़ा हो, नमाज हो, ये जो भी मतलब इबादत वगैरह से मुतालिक हो, अब ये कंडीशन है, अब उलमा से पूछ लीजिए कि आपके लिए क्या शरई हुकूम है। हर फन के लिए मर्द होते हैं, तो डॉक्टर ने जो सीखा होता है वो आलिम दीन जानता हो ये जरूरी नहीं है, और जो आलिम दीन जानता है वो डॉक्टर जानता हो ये जरूरी नहीं है। यानी कोई अगर डॉक्टर ऐसा है कि जो आलिम दीन भी है और इस्लाम के बारे में मालूम है, तबीब जैसे कि सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहब पूरे हकीम भी थे, तबीब भी थे, माशाल्लाह आलिम दीन भी थे, तो वो मसाइल बयान करे। और अगर ये आलिम नहीं है तो जो आलिम नहीं है उसको मसाइल बयान करने की इजाजत नहीं है। आपको पता है डॉक्टर तो नमाज का भी मना कर देते हैं जी, ये आपको पता है, ऐसे ऐसे जेड़िए होते हैं कि वो नमाज बैठ के पढ़ो, इस्लाम में कोई सख्ती नहीं है, इसको सब पता होता है डॉक्टर ये को जो इस्लाम में मुदाखलत करता है। हर डॉक्टर ऐसा नहीं होता, शरीफ और नफ्स डॉक्टर भी देखे, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले भी डॉक्टर होते हैं, अपनी तो पूरी मजलिस से डॉक्टरों की तो माशाल्लाह मुबल्लिगीन भी अपने पास डॉक्टर में, उनकी बात करता हूँ जो इस्लाम के मसाइल में इंटरफेयर कर, जो जानबूझकर इस तरह झूठे मसाइल बयान करे वो तो फासिक और फाजिर है, सख्त गुनाहगार और अजाब नार का हकदार है। कोई भी मसला ऐसा आए तो डॉक्टर को चाहिए कि वो इस मामले में यही कहे कि भाई देखो ये शरी मसला है, ये मैं नहीं बता सकता, ये आप जाकर उलमा से पूछ, हमारे तिब में यूं है, हमारी डॉक्टरी में यूं है, लेकिन जो इस्लाम कहता है दुरुस्त वो ही है। मुसलमान डॉक्टर को तो यही कहना चाहिए ना कि जो इस्लाम कहे वो सही है। इस तरह डॉक्टर साहब को चाहिए कि वो पहले मुसलमान रहे, समझे, और बाद में डॉक्टरियां और ये सब बाद में होती रहेंगी, हम पहले तो मुसलमान है ना यार, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी डॉक्टरी नहीं चाहिए जो हमारा इस्लाम लेने पर तुल जाए, खुदा ना खास्ता ऐसे डॉक्टरी को हम लात मारते हैं। हमें इस्लाम अजीज है, अल्लाह और रसूल का करम चाहिए हमको, पेट तो भरी जाएगा। जब आलिम दीन बीमार होगा तो उसको डॉक्टर की हाजत होगी, और जब शरीयत के मसले की जरूरत होगी तो डॉक्टर साहब को आलिम की हाजत होगी। तो ऐसे डॉक्टर इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे कि जो शरीयत के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अल्लाह और रसूल के मामलात में एतराज नहीं। अभी अमीर अहले सुन्नत ने जो मसला बयान करने के हवाले से जो मदनी को लता फरमाया, कंजुल उमाल की हदीस में बयान कर दो, ये मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बग़ैर इल्म के फतवा दे उस पर जमीन और आसमान के फरिश्ते लानत करते हैं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।